रेडी। मैं हूँ इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुंब्रा के जो कार्यालय है ठाणे महानगर पालिका का, टैक्स विभाग का कार्यालय, वहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि करीब 3 से 4 दिन से ये बुज़ुर्ग महिला यहीं पर कार्यालय के बाहर ही बैठी रहती हैं, कभी कार्यालय के अंदर आती हैं। और ये अपना नाम जो है मरियम बता रही हैं, लेकिन दरअसल ऐसा मरियम इस्माइल पटनी बता रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ इनका दिमागी संतुलन सही नहीं है। हालांकि इनके पास एक पासपोर्ट भी है जिस पर एड्रेस जो है वो मुंबई भाईखल्ला का है, और इनके पास एक 7 तारीख का रेलवे का टिकट भी है जो मुंबई से मुंब्रा के लिए ये आई हुई हैं। लेकिन 4 दिन से जो है ये यहीं पर टैक्स विभाग कार्यालय पर यहीं पर हैं। और देखेंगे कि मुंब्रा पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, कि पुलिस को भी सूचित किया गया है कि आखिर ये महिला, बुज़ुर्ग महिला है, काफ़ी दिमागी संतुलन इनका सही नहीं है, कहाँ की रहने वाली हैं, ये भाईखल्ला की हैं या फिर जफर भाई भी मिले हैं। जफर भाई का कहना है कि ये मुंब्रा की ही रहने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनके परिवार के लोग कहाँ हैं, और जो भी देख रहे हैं अगर इनके जान पहचान के हैं तो वो यहाँ कार्यालय पर, जो टैक्स विभाग का कार्यालय, यहाँ पर आकर और पुलिस से भी संपर्क करके इन्हें ले जा सकते हैं। आप क्या बताएंगे खाला, आप कहाँ पर रहती थी, कैसे यहाँ पर आई हैं? मेरे को वहाँ इनकी दादी थी, उन्होंने मेरे को ज़्यादा पाले है, इनकी दादी ने पाले मेरे को। किसकी दादी? इनकी दादी ने। इनकी दादी? हाँ, इनकी दादी ने मेरे को पाले। मैं इनके घर में रात दिन काम करती थी, कभी उन्होंने मेरे को ऐसा करके भी नहीं मारे, ना डांटी भी नहीं दिए। अच्छा, आपके बेटे भी हैं, बेटी भी हैं? हाँ। कितने? 2 बेटी 2 बेटे। क्या नाम है उन लोग का? एक बेटे का, बड़े का नाम है तबरेश, और छोटे का नाम है तैयब। और बेटी? और बेटियों का है ना, एक का नाम है अपने, ये क्या बोलते भाई, देखो भूल जाती हूँ बस, वो तबरेश है और ये है, नहीं याद आ रहा है, मैं भूल जाती हूँ। बेटियों का नाम नहीं याद आ रहा? मैं भूल जाती हूँ बस, कोई भी काम भी ऐसा रहता है ना तो मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, आप रहते कहाँ पे हैं, मुंब्रा में रहते हैं या जो है मुंबई में रहते हैं? मैं मुंब्रा में रहती थी, और मुंब्रा में मेरे को भाई ने, तुम्हारी दादी ने रखी थी मेरे को। तो मुंब्रा में कहाँ पे रहती है? यहाँ जो ये जो सामने बिल्डिंग है ना, ये सामने बिल्डिंग है ना, तुम बोलते ना वो बिल्डिंग का नाम क्या है, एरिया कौन सा है कुछ? ये एरिया इधर का मुंब्रा, आनंद कोलीवाड़ा या बॉम्बे कॉलोनी, हाँ उसमें ही रहते थे तुम्हारी दादी, और मैं पीछे पीछे इनके भागती थी। अभी यहाँ पर लोग बता रहे कि आप 4 दिन से यहाँ पर हैं, तो खाना वगैरह कहाँ खा रहे थे? मैं खाई तो खाई, नहीं खाती, नहीं खाती। आपके घर से कोई आया नहीं लेने के लिए? नहीं, वो लोग नहीं आते ऐसे, वो लोग आते ही नहीं पहले, मैं खुद ही दिल को अपने मार देती हूँ। क्यों ऐसा, कुछ घर में झगड़ा उगड़ा होता नहीं? झगड़ा तो नहीं करते, मैं खुद जाकर झगड़ा नहीं करती, मैं ये बोलती हूँ कि तुम लोग अच्छे से काम करो, क्यों काम नहीं करते? अब ये बड़े वाला है ना, एक दिन जाएगा तो 2 दिन नहीं जाएगा, तो ये वजह से मैं इसको डांटी देती हूँ। कितने दिन से आप यहाँ? 4 और दिन से है ना यहाँ पे, 4-5 दिन हो गया। हाँ। मुंबई भी गई थी आप? हाँ, मुंबई से भी आई, ट्रेन का टिकट है आपके? हाँ। में पासपोर्ट आपका क्या हुआ, क्या किया है ना, रखी है ना, रखे हुआ? हाँ, वो थैली में है ना, मैं पासपोर्ट भले रहेगा पर मैं अभी जाने वाली नहीं, तुम लोग को छोड़ के कुछ भी बोलो, बस मेरे को तुम्हारा हाथ से मेरा कफन चाहिए, बस और किसको नहीं बोलूँगी, कि तुम बनाओ कि तुम बनाओ, मैं बस मैं ये सुन ये मेरे कोशिश कर रहे हैं खाला कि आपके जो घर वाले हैं वो आए आपको लेके जाएं। मेरे को नहीं जमेगा, इनका जमेगा ही नहीं मेरे को, अरे तुम मेरे को 40 हाथ मार देना, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल आवाज़ नहीं करूँगी कि नहीं मेरी ये बेटे देखो मेरे। जफर भाई, कुछ परिवार के लोग भी अभी तक बता रहे हैं कि आए नहीं, 4-5 दिन
बड़े अफसोस की बात है इस्लामुद्दीन भाई की, अगर किसी मेरी किसी की भी माँ और अगर घर से गायब है 3-4 रोज से, जैसा कि लोग यहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट के लोग ये बता रहे हैं, ये मुमरा फायर ब्रिगेड के पीछे जो टैक्स ऑफिस है मुमरा की, यहाँ पर ये खाला तकरीबन 4 रोज से मौजूद है। लेकिन अगर जैसे खाला का बताने के हिसाब से कि उनको 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस ये हो रहा है कि अभी तक उनके परिवार वाले उनको ढूंढने तक नहीं आए। तो मेरी अगर उनके परिवार तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी इस चैनल के माध्यम से आपके, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये ज़ईफ़ महिला जिनकी याददाश्त, मुझे ऐसा लगता है दिमागी तवाज़ुन इनका सही नहीं है, इनकी याददाश्त भी सही नहीं है, ये बार बार कुछ कहती हैं कुछ कहती हैं, जो अपना नाम मरियम इस्माइल पटनी बता रही हैं, अगर मेरी आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है इस चैनल के माध्यम से, परहाट टाइम्स का और बुलंद आवाज़ के चैनल के माध्यम से, तो बराए मेहरबानी जिसके भी घर की ये माँ हैं, वो परिवार से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आकर के इनको यहाँ से लेकर के जाएं। मुमरा पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म किया गया है, मुमरा पुलिस स्टेशन के लोग मौजूद हैं, अगर इनके परिवार के लोग यहाँ लेने आते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इनको ले जाते वक्त एक बार मुमरा पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दें कि भाई जो ये खाला हैं ये 3-4 रोज से जो यहाँ पर मौजूद है, हम इनको लेकर के जा रहे हैं, ये हमारी माँ है, बहन है, खाला है, नानी है, दादी है, कौन है, आप अपना रिश्ता उनको बता करके यहाँ से लेकर के चले जाएं। ये बुज़ुर्ग महिला है जिन जो अपना नाम मरियम बता रही हैं, और टैक्स विभाग का जो कार्यालय यहाँ पर है, मुमरा पुलिस भी यहाँ पर है, और बात के अभी आप लोग को इन्फॉर्म किया गया था, तो इनको लेकर आप लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे या क्या करेंगे, कहीं NGO में देंगे जब तक परिवार के लोग नहीं आते हैं? नहीं, पहले उनके जो अभी एड्रेस बताया है वो परिवार को हम जाके इन्फॉर्म करेंगे, कोई रिश्तेदार है तो उसको लेके आएंगे, और उनका भी कहना है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, तो इसके बारे में वो उनका जो रिश्तेदार है उसको पूछ के आगे की जो भी है वो कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना कि पुलिस का भी कहना है कि महिला जो है उनके साथ है, और आगे भी जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से पूछताछ करके, जो एड्रेस महिला बता रही हैं उस पर भी जाकर इंक्वायरी करके ये जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये महिला क्या वाकई में मुमरा में किस एरिया में रहती है, उसके बाद पहचान वाले अगर मिलते हैं। और आप लोगों से भी विनती है कि जो कोई भी अगर जानता है, इन्हें देखा है, तो इनके परिवार के लोगों को जानता है, तो इनके परिवार को इसके बारे में जानकारी दे, ताकि ये बुज़ुर्ग महिला अपने घर तक पहुँच सके।